हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके एमएचटी सीईटी के एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन लेवल 1। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर, नेचर को बैलेंस करके रखने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एनिमल्स और हैबिटेट ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एनवायरनमेंट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ इकोलॉजी भी होना जरूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म तो ठीक है, लेकिन इसमें अबायोटिक फैक्टर का भी रोल आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डैश इज द करेक्ट एटिमोलॉजी ऑफ टर्म इकोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कौन सा वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो इकोलॉजी का ओरिजिनेशन वर्ड कैसे हुआ है, इको मतलब ओइकस एंड लॉजी मतलब लोगस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा फैक्टर अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। वाटर इज अबायोटिक, सनलाइट इज अबायोटिक, टेम्परेचर इज अबायोटिक। डीकम्पोजर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सैप्रोफाइट होते हैं, जो डेड सेल्स को खाते हैं, तो ये लिविंग सेल्स हैं, इसीलिए ये बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दीज आर बायोटिक कंपोनेंट, दीज आर नॉट अबायोटिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिजम्स इनहैबिटिंग अ कॉमन एनवायरनमेंट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। जो ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एक ही कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म है। नीश एक्सप्लेन्स पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात करो, तो हाइपर वॉल्यूम नीश की मदद से हमको सारे ऑर्गेनिजम्स का पोजिशन पता चलता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द हॉरिजॉन्टल स्पेस। जब आप किसी भी ट्री का ग्रोथ या किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करते हो, तो इसको हम बोलते हैं जोनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, जोनेशन। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इनेबल इट टू लिव इन एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड वॉट। कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में लिव करने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, इट शुड बी एबल टू अडैप्ट। चार्ल्स डार्विन सर ने हमको बोला था अडैप्टेशन इज इंपॉर्टेंट, अडैप्टेशन करोगे तो ही आप जिंदा रह पाओगे। सो टू लिव इन एन एनवायरमेंट अडैप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ डैश इज नॉट फॉर अ कर्सोरियल अडॉप्टेशन। कर्सोरियल मतलब क्या होता है, चलना। कर्सोरियल मतलब क्या होता है, रेंग रेंग के चलना। ओके, सो क्लॉज होना जरूरी है, वॉकिंग लेग्स होना जरूरी है, अधेसिव पैड्स ऑन द लेग्स। लेग के ऊपर जो आपके पैड्स होते हैं, जो आपको जैसे फ्रॉग के लेग्स में होते हैं, हेन के लेग्स में होते हैं, तो ये होना भी जरूरी होता है। लेकिन चलने के लिए विंग्स की कोई जरूरत नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर, और करेक्ट आंसर यही आएगा, क्योंकि इधर पे क्या बोला गया, नॉट कर्सोरियल। सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट कर्सोरियल। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम फॉर्म। कोई भी सेम स्पीशीज के मेंबर एक पर्टिकुलर एरिया में जब रहते हैं, तो वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। डैश सो फॉसोरियल अडॉप्टेशन। फॉसोरियल अडॉप्टेशन मतलब क्या होता है, जिनकी नाक बहुत ज्यादा लंबी होती है और जो जमीन में गड्ढा करके रहते हैं। तो कॉकरोच खड्ढा नहीं करते, मंकी खड्ढा नहीं करते, बॉम्बे डक खड्ढा नहीं करते, चूहे छेद बना के उसके अंदर रहते हैं। सो रैट इज द राइट आंसर। द रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। दो अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच का रिलेशनशिप, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का ना फायदा है ना नुकसान है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं। इधर पे देखो, पॉजिटिव मतलब बेनिफिट, नेगेटिव मतलब नॉट बेनिफिट, और जीरो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इधर पे क्या बोला गया, एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब प्लस और जीरो। तो प्लस और जीरो वाला कंडीशन हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कमेंसलिज्म में। सो कमेंसलिज्म इज द राइट आंसर, बाकी सारे के सारे रॉन्ग ऑप्शन है। इफ पैरासाइट बर्ड lays its eggs in the nest of its host and lets the host incubate them, it is called as what? देखो, आपने सुना होगा क्रो और मतलब कौवे और कोकल कोयल, क्रो और ककू का आपने सुना होगा। कोयल क्या करती है, अपने अंडे कौवे के नेस्ट में डाल देती है, ताकि कौवा अपने बच्चों के लिए जब खाना लेके आए तो वही खाना कोयल के बच्चे भी खा ले। तो इस टाइप के पैरासिटिज्म को हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इसके लिए और एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्लेप्टो पैरासिटिज्म। ये थोड़ा सा साइंटिफिक नेम है, ठीक है। All right. So pair of dash shows kleptoparasitism. Kleptoparasitism मतलब brood parasitism. So right answer is crow and cuckoo. ये मैंने अलग अलग क्वेश्चन क्यों दिया आपको, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। Competition is most severe between two dash. कौन से
ऑर्गेनिजम्स के बीच में कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के और एक ही हैबिटेट में रहते हैं उनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है, या जो जो ऑर्गेनिज्म सेम एरिया में, समझो ये आपका हैबिटेट है, यह आपका हैबिटेट है, इधर पे एक ऑर्गेनिज्म है, इधर एक ऑर्गेनिज्म है, इधर एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म दूर दूर रहते हैं, सो इनके बीच में कॉम्पिटिशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. लेकिन अगर मैं ऐसा कोई एक रीजन लू जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म एक ही नीश में रह रहे हैं, ये नीश है, एक ही नीश में रह रहे हैं और इनके आपस में कंपटीशन होने लग जाए, सो ये कंपटीशन ज्यादा स्ट्रांग होगा. आपके घर में जब भाई बहन आपस में ही कंपटीशन करने लग जाते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग कंपटीशन होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. जो स्पीशीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है उनके बीच में कॉम्पिटिशन टफ नहीं होता है, सो बी इज द राइट आंसर. माइकोराइजा गिव्स डैश टू द प्लांट्स टू ग्रो. माइकोराइजा क्या होता है? ऐसा फंगस जो हमारे प्लांट्स के रूट के ऊपर ग्रो होता है. सो फंगस क्या करता है? वो ग्राउंड में से इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्लांट को देता है और प्लांट क्या करता है? अपना फूड फंगस को देता है. सो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट माइकोराइजा के वजह से प्लांट्स के पास आते हैं. एसोसिएशन ऑफ सी एनिमोन विथ हर्मिट क्रैब इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, या आप बोल सकते हो प्रोटोकोऑपरेशन. प्रोटोकोऑपरेशन में हमको क्या देखने को मिलता है? प्रोटोकोऑपरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंटरैक्शन. इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, इसमें दोनों का फायदा होता है, बट इसमें फर्क क्या है? देखो सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकोऑपरेशन में फर्क क्या है? पैरासिटिज्म तो रॉन्ग है क्योंकि इसमें एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है. सॉरी, इसमें किसी का फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान होता है. सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म सेम है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स का फायदा होगा और दोनों को एक साथ रहना कंपलसरी है. लेकिन प्रोटोकोऑपरेशन में क्या होगा? अगर आप साथ में काम करोगे तो अच्छा है, लेकिन साथ में काम नहीं करोगे तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो. सो दैट इज प्रोटोकोऑपरेशन. सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में साथ में रहना ही पड़ता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसमें आपका सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब साथ में रह सकते हैं पर ये एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं. फंगल एसोसिएशन ऑफ रूट्स विथ हायर प्लांट्स इन माइकोराइजा इज ओके. सो इधर पे क्या बोला गया है? अगर आपका फंगस हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन करता है तो ये कैसे टाइप का इंटरेक्शन है? ये म्यूचुअलिज्म टाइप का इंटरेक्शन है. फंगस से प्लांट को मिनरल्स मिलेंगे, प्लांट से फंगस को फूड मिलेगा, दोनों एक दूसरे का फायदा करेंगे. डैश इज द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेर ईच इंडिविजुअल डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. क्या बोला गया है हमको इधर पे? दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? म्यूचुअलिज्म. देखो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है. इधर प्रोटोकोऑपरेशन का ऑप्शन नहीं दिया है, सो म्यूचुअलिज्म इज द राइट आंसर. इफ द रेट ऑफ एडिशन ऑफ मेंबर इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स लॉस्ट, द ग्राफ ऑब्टेन्ड फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ विल शो व्हाट. क्या बोला गया है? अगर आपका बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, समझो नेटलिटी रेट ज्यादा है, मतलब बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, तो इसके वजह से क्या होगा? बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, सो इसके वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा. सो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या होता है? एकदम रैपिड पॉपुलेशन बढ़ना. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड डैश टाइम्स फ्रॉम 1981 टू 1991, ऑलमोस्ट ट्रिपल. 10 साल के अंदर ट्रिपल पॉपुलेशन रेट हो गया था फ्रॉम 1981 टू 1991. आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरी में लास्ट में दिया गया है, स्टार्टिंग में 350 मिलियन पॉपुलेशन था, फिर उसके बाद कुछ 1.2 बिलियन हुआ, फिर उसके बाद 1.7 बिलियन हो गया. सो ट्रिपल अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. द डिफरेंट एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड बाय रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप. इस तरीके से हम अपनी कंट्री के पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं. सो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है. व्हेन प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज लार्ज इन पॉपुलेशन, द ग्रोथ रेट ऑफ दैट पॉपुलेशन विल बी. समझो अगर यंग बच्चे ज्यादा है अपनी कंट्री में तो ऐसी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा? एकदम रैपिड. कैसा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ? एकदम रैपिड. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑन 11th जुलाई, ये तो कॉमन सेंस है, ये आपको पता होना चाहिए. 11th जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है. प्रेजेंटली द वर्ल्ड पॉपुलेशन डबल्स आफ्टर एवरी डैश ईयर्स. कितने साल में वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ता है? ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 ईयर्स के गैप में वर्ल्ड पॉपुलेशन डबल हो जाता है. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू हाई बर्थ रेट इज कॉल्ड वॉट. अगर आपका पॉपुलेशन बहुत धड़ाधड़ बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांडिंग पॉपुलेशन. क्या बोलते हैं? थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, सी यू सून.